मैं ड्राइव करूंगा फ्रंट तक, वहां से तू ले लियो सीट। और ये हमारा बच्चा अपना सीट से नीचे तू पहले गूगल मैप देख, सेंटर में बैठा हुआ है, बताओ गूगल मैप देख, क्योंकि इसको बिल्कुल बैठना ही नहीं है। नहीं हम ठीक चल रहे, चलते रहो बस। सो वी आर अबाउट टू रीच ऑकलैंड जी नाउ। हमने सोचा था कि हैमिल्टन तक की गाड़ी चलाएगी, पर मैडम तो पूरा ऑकलैंड तक ले लिया है। वेरी नाइस। वेलकम टू ऑकलैंड गाइस। ये देखिए राइट साइड में हमें दिख रहा है स्काई टावर। सो बस नेक्स्ट अगले 8 मिनट में हम अपने होटल में पहुंचने वाले हैं। दैट्स द स्काई टावर देयर। ये रहा जी यहाँ का द बेस्ट सिटी सेंटर एरिया। वो लाइव है यहाँ पे, मतलब रात को 2 बजे जाओ ना, चहल पहल है सड़कों पे। बताओ एक गलत कट लिया मैडम ने और सीधा 18-17 मिनट का और बढ़ रहा नहीं होगी। अब तेरे पास वो है क्या है? तो गाइस ये जो ब्रिज है दिस इज कॉल्ड हार्बर ब्रिज। रात में ये बड़ा ही बहुत ही मज़ेदार लगता है ये, इसमें लाइटिंग्स जलती हैं। और ये रहा सामने हमारा सिटी। वेलकम टू ऑकलैंड। वो सामने टावर इज हमारा स्काई टावर। उसके आसपास बहुत बड़े बड़े हैं ये बिल्डिंग्स, और यहाँ से बहुत दूर से बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। यार आप लोग पहले ये देखो यार, ये देखो प्राइवेट यॉट्स, देखो कितने सारे यॉट्स हैं, कितने सारे यॉट्स हैं। मतलब सो कुछ ऐसा दिखता है हमारा होटल का व्यू। ब्यूटीफुल। सो गाइस सेट है, रेडी है हम दोनों, हम तो बाहर जाने के लिए। माय फ्रेंड वी ऑल मिल रहे हैं एक वन ऑफ द बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट यहाँ पे। सो मैं पहले वीडियो नहीं ले पाया व्हेन वी वर अबाउट टू चेक इन बिकॉज मेरा फ़ोन ही बंद हो गया था। सो मैं भी कुछ ऐसे रेडी हो गया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, वेरी सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ जीन्स एंड शूज, दैट्स इट। क्योंकि मेरे को ना रिलैक्स होने का मजा है, रिलैक्स होने आए हैं यार, तो आराम से बैठ के रिलैक्स के गप्पा शप्पा मारेंगे। आप गाइस स्काई टावर ये देखिए, यहाँ पे यॉट्स, प्राइवेट यॉट्स, माइट ऑसम पार्क हायात, द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन ऑकलैंड राइट नाउ एंड नेक्स्ट टू वाटर गाइस। और ये कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू, दिस बिवाको रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना खाने आए हैं अभी। हम जस्ट वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स टू कम टू जॉइन अस, तो देखते हैं। एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेस मैन, फैंटास्टिक प्लेस, वाओ लुक एट दिस प्लेस। सीधा क्यों नहीं बैठ रहा है भाई? पिज्जा मैन, बुराटा लुक्स नाइस, चीज बुराटा, स्क्विड्स, वाओ मेन जी लोडिंग करेंगे। दैट्स स्काई टावर। ये है जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो सेकंड वर्ष का आपके जो वाज अप गाइस, टुडे वी आर एट ऑकलैंड एंड अगेन जी यहाँ पे भी जो आपको वेदर देख रहे हैं अब सनी सनी और क्लाउडी दोनों है। सो सुबह के बज गए हैं जी यहाँ पे 8:30, वी जस्ट वोक अप एंड ये देखिए मेरा शैतान बच्चा यहाँ पे, और ये देखिए हमारा खलारा यहाँ पे। और रात को यह पता नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, बड़ा अजीब सा ना टमी अपसेट सा हो गया है। इटालियन फूड बड़ा पता नहीं, चलते हैं रेडी होते हैं। इट्स टाइम टू, वो बेबी की बॉटल वॉश कर रही है, फिर इसका नहाने का टाइम आ जाएगा, फिर क्विक क्विक नहाई नहाई करके फिर पापा नहाने जाएंगे, फिर उसके बाद पापा बेबी को देखेंगे, फिर मम्मा नहाने को जाएगी, फिर गेट रेडी, फिर सेटअप। निकल गए मैडम ने 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया तैयार होने के लिए। सो देयर शी इज़,
तो देखा जाए ना तो इस नाइट लाइफ आफ्टर 5, 4 or 5 10 सुबह ज्यादा कुछ नहीं है हैं ओके हां न्यूज़ीलैंड मतलब ऑकलैंड एक्सप्रेस आई स्पेसिफिकली ऑकलैंड में बट दैट्स माय गोल सिटिंग नाउ जी वी आर एंडिंग अप विद नैंडोस ऑल टाइम फेवरेट नैंसी को खाना था नैंडोस चलो फिर नैंडोस चलते हैं व्हाट एल्स के लिए माउंट रॉस्किल है जो चोटी है लगा हाटू पीक इंडिया में अपना पहाड़ बना कर सबको हाटू पीक है वैसा है जैसे पूरा आपको ऑकलैंड दिखेगा पूरा ऑकलैंड पूरा ऑकलैंड दूर दूर तक पूरा ऑकलैंड फैला हुआ है हम वहाँ पर रह रहे थे वो टावर दिख रहा है आपको दैट्स स्काई टावर और पूरा लुक लग गए ना हम दोनों कि हमें कॉफ़ी लेनी पड़ रही है थोड़ा रिफ्रेश हो जाए फिर उसके बाद हम अपना घूमना शुरू करें और देखिए यहाँ कितना छोटा सा स्टारबक्स है छोटू सा स्टारबक्स वहाँ शुरू हो गया और यहाँ ख़त्म भी हो गया होटल गए दोबारा मैडम फ्रेशन अप हो गए वेरी फ्रेशन अप हो गया मैं भी हो गया अब हो गया जी शाम के बज गए हैं 7 इट्स टाइम टू वॉक अराउंड पहुँच गए हैं जी पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट है थैंक यू वेरी मच व्यूवाचे इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड व्यूवाचे एट क्वीन स्ट्रीट नहीं है बहुत भाग भाग के आया भैया यहाँ पे ना 8:30 बजे किचन बंद हो जाता है तो व्यूअर है 8:27 पे फाइनली चलो कुछ खाने के लिए मिल गया क्योंकि न्यूजीलैंड का टाइमिंग है 5 से 8, 9 बजे डिनर ख़त्म हो जाता है अभी को वो ले गई है शेफ के पास जी 10 तो सब कुछ शट डाउन हो गया है यहाँ पे एंड वी आर जस्ट लिविंग शी इज हैविंग कॉफी कॉफी के अंदर है वाइन एंड लुक एट द होटल वेरो ऊपर कुछ है होटल पता नहीं क्या है जो भी है बट इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग है ना इंडिया में अगर हम होते अभी तो इंडिया में लाइफ हैपनिंग होती है अभी हम जाए होते मतलब घर से निकल रहे होते हैं लोग अभी 9, 9:30, 10:30, 10:30 हुए हैं अभी यहाँ पे वापस लोग घर जा रहे हैं 9:30 हुए हैं यार देखो सब कुछ बंद हो गया यहाँ पे बट फार 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 बेटर देन हॉक्स बे पूरे दिन भर हम बाहर थे एंड हम भूल गए कि हमने बेबी के लिए पानी की बॉटल लेनी है क्योंकि बाहर मिलती हैं बाहर मिलती है व्हाट यू कॉल $1 में एक बॉटल और जिस होटल में हम रह रहे हैं ना उसमें $12 की एक बॉटल है भैया 2-3 ले आई हो मुटे नैन्सी को भेजा है वहाँ पर दस मिनी बार खोला है 24/7 कोई इंडियन का ही है अभी हाँ मेरा बेटो इधर है मम्मा भैया इधर है हाँ बेटा पापा इधर है Finally, we have checked out. Leaving Auckland. See you at Napier now. Thank you very much, Auckland. मेरी कुछ मीटिंग्स थी तो वो कवर करके फिनिश करके इस होटल आके इनको पिक करके दोनों को वो सो रहा है दोनों उसको मत देखना भी ना गाड़ी में लग गया है जी रिजर्व गाड़ी फुल की थी हमें नेपियर में ऑकलैंड पहुंच के 2 दिन घूम के अब लगे हैं रिजर्व अब ढूंढ रहे हैं पेट्रोल पंप और क्या क्या वैली के बीच में है क्या रोड बनाया है भाई स्टैम करके रोड है स्टैम पांच मिनट की ब्रेक ली है यार क्या ठंडी हवा मजा भाई यहाँ से बिल्कुल रोड है बिल्कुल ज़िगज़ैग रोड बिल्कुल पहाड़ों वाला रोड और नैन्सी ने वैसे भी कम से कम 250 किलोमीटर गाड़ी चला के आई है ट्रक देखो आप न्यूजीलैंड के बड़े बड़े क्या मस्त ट्रक है होम गाइस वेलकम होम पहुंच गए हैं हम वापस मम्मा को लगे शौक वो कुछ भी खाने गाई जा रही है इसको ऑकलैंड छोड़ने का शौक लग गया है और वो बच्चा जैसे ही हॉक्स में एंटर किया उसने रोना शुरू कर दिया बताओ अब क्या करें हम और घर से ऐसी स्मेल आ रही है ना अच्छी वाली मतलब इतने दिन घर बंद था 3 दिन